नए चैनल मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का मेरा क्लीनिंग का जो भी काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ पक्के आम की सब्ज़ी और रोटी। तो फ्रेंड्स आप सब देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। हमारे गुजरात में तो इस तरह की सब्ज़ी सभी को अच्छी लगती है, हमारे घर में तो सभी को ही अच्छी लगती है। लगातार तीसरे दिन मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आप सब भी देख लीजिए मैं किस तरह से बनाती हूँ और खाने बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी सी लगती है। तो चलो पहले लंच बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और तो लंच में आज बनाने वाली हूँ पक्के आम की खट्टी मीठी सी सब्जी और रोटी, साथ में और कुछ नहीं बनाना है, वही बनाना है। और तो यहाँ पे मैं पहले आटा लगा दूँगी और यहाँ पे दूध भी आ गया था तो इसको मैंने उबाल लिया है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पहले आटा लगा देती हूँ, फिर बाद में सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ पे पहले आम को मैं कट कर लेती हूँ और रफली कट करना है, ज़्यादा बारीक कट करना नहीं, इस तरह से लंबे लंबे कट कर देना है। और इसकी जो गुठलियाँ है वो भी रहने देनी है क्योंकि वो भी सब्ज़ी में जाएगी और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे पहले मैं आम को अच्छे से कट कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाती हूँ। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने आम को कट कर लिया है और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा सा कम ही डाला जाता है, ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है और सिंपल मसालों से ही बन जाती है और कोई भी गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब्ज़ी सिंपल ही अच्छी लगती है और इसमें सबसे ज़्यादा गुड़ डाल दो तो सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा आता है, क्योंकि इसमें गुड़ डालने से ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी और रोटियाँ बनेगी तब तक मेरे तंस के पापा भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको मैंने फ़ोन करके बोल दिया है कि खाना
रेडी हो चुका है, इस तरह से बोलूँगी तभी वो आएंगे। लेकिन खाना पकने के बाद कहूँगी कि खाना हो गया है आप आ जाओ, तो देर लग जाती है उनको आने में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी आम की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मितांश के पापा को मैंने फ़ोन करके बोल दिया है कि खाना रेडी है आप आ जाइए, तो वो आएंगे तब तक मेरी रोटियाँ भी बन जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लंच कंप्लीट हो गया था और हम सब ने खाना भी खा लिया था, तो सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन वो मुझे शूट करना था लेकिन वो रह गया है, तो अभी मैं खाना खाने के बाद ही शूट कर रही हूँ। तो जो भी बर्तन है जो मुझे वॉश करने हैं उनको पहले मैं बाहर निकाल दूँगी, फिर बाद में मुझे किचन भी क्लीन करना है, तो बर्तन बाहर निकालने के बाद पहले मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया है और यहाँ पे मैं जो कपड़े सूख गए थे उसको लेने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं और वॉशिंग मशीन में डाले हुए कपड़े 2 घंटे ही बाहर धूप में रखो तो भी अच्छे से सूख जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए थे। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़े ले लूँगी, उसके बाद मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं तो मैं बाद में वॉश करूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए दोपहर को आराम करेंगे, उसके बाद इवनिंग का जो भी काम है वो करना है। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े जाके अंदर डाल दूँगी और बर्तन वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे जो भी नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.